हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको 10 किलोवाट के ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, ये 10 किलोवाट का ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, इसके कनेक्शन कैसे करेंगे और इसमें क्या क्या फंक्शन है, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है जो कि हमारे घर में जो भी सप्लाई, अगर हमारे घर में वोल्टेज आ रहा है 100 वोल्ट के आसपास आ रहा है या लो वोल्टेज आ रहा है या हाई वोल्टेज आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली उस वोल्टेज को 220 या 200 या 220 वोल्ट के आसपास कर देगा। क्योंकि चूंकि हमारे घर में जो भी अप्लायंसेज इलेक्ट्रिकल लगे रहते हैं वो 200 या 220 वोल्ट एसी पे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे घर में वोल्टेज 100 वोल्ट आ रहा है, लो वोल्टेज आ रहा है या 100-150 वोल्ट आ रहा है, तो उसको हमें चूंकि हमारे अप्लायंसेज 200 वोल्ट पे चलते हैं, 200-220 वोल्ट पे चलते हैं, तो ये उस वोल्टेज को 100 वोल्ट को बढ़ाकर 200 वोल्ट कर देगा। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर हाई वोल्टेज आ रहा है 240 वोल्ट के ऊपर आ रहा है, 240 वोल्ट के ऊपर आ रहा है, मान लीजिए 280 वोल्ट आ रहा है, 300 वोल्ट आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली उस वोल्टेज को कम करके 200 वोल्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए कौन ये, और इसमें शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो एमसीबी लगी हुई है फ्रेंड्स, ये शॉर्ट सर्किट होने पे ये ट्रिप कर जाएगी। देखिए, मैं ट्रिप करके दिखा देता हूँ, ये ट्रिप कर गई और इसको मैं वापस ऑन कर देता हूँ। इस तरह से अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो ट्रिप कर जाएगी। इसमें शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसमें एक ये स्विच दिया हुआ है जो कि हमारे इनपुट वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज को शो करने के लिए, अगर हमको इनपुट वोल्टेज देखना होगा तो इस स्विच को इनपुट पे कर देंगे, अगर आउटपुट वोल्टेज हमको देखना होगा तो इस स्विच को आउटपुट पे कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें चार कनेक्शन होते हैं, इसके बैक साइड में मैं उसको दिखा रहा हूँ, उसी में कनेक्शन इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई दी जाती है, इनपुट सप्लाई दी जाती है और वहां से आउटपुट ली जाती है। फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिक चूंकि वोल्टेज स्टेबलाइजर है इसलिए इसमें आपको किसी तरह का चेंज ओवर नहीं लगा हुआ या आपको सप्लाई चेंज नहीं करनी है या बढ़ाना या घटाना नहीं है। फ्रेंड्स, ये इसका बैक साइड है और इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है ये इनपुट है, ये इनपुट यहाँ सप्लाई देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ फेज और न्यूट्रल देंगे, ये लिखा हुआ है, ये फेज लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर फेज देंगे और यहाँ पर न्यूट्रल देंगे। इसमें दो पोर्ट है, अर्थ का भी है, लेकिन इसमें दो ही टर्मिनल लिखा हुआ है। यहाँ पर फेज देना है इनपुट का और यहाँ पर न्यूट्रल देना है। और फ्रेंड्स, ये आउटपुट पोर्ट है, आउटपुट पोर्ट है, यहाँ से आपको आउटपुट सप्लाई मिलेगी, जो यहाँ पर फेज आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर न्यूट्रल आउटपुट मिलेगा। फ्रेंड्स, मीटर से जो तार आ रहे हैं उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, मीटर से जो इनपुट सप्लाई आ रही है उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे फेज न्यूट्रल, और ये आउटपुट से सप्लाई लेके फेज न्यूट्रल यहाँ से लेके हम अपने घर में कनेक्ट कर देंगे, अपने घर के लोड को कनेक्ट करेंगे। ये आउटपुट सप्लाई है फेज न्यूट्रल, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ना ही लो वोल्टेज को बढ़ाना है ना हाई वोल्टेज को घटाना, ये ऑटोमेटिक सारा काम करेगा। फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर आपके घर के सप्लाई वोल्टेज को ऑटोमेटिकली नॉर्मल वोल्टेज करने के लिए 200 या 220 वोल्ट करने के लिए ज़रूरी है, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने के लिए आवश्यक होता है। फ्रेंड्स, अगर लो वोल्टेज पे या आप अगर किसी अप्लायंस को चला रहे हैं तो वो उसके खराब होने की संभावना बनी रहती है, इसी तरह हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जल जाते हैं। तो ये आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर आप इसीलिए लगाते हैं कि अगर लो वोल्टेज हो तो आप उसको लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज आने पे उसकी सप्लाई को, आपके इलेक्ट्रिकल सप्लाई को नॉर्मल कर सके। ये इसीलिए लगाया जाता है कि ताकि आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को एक नॉर्मल 200 या 220 वोल्ट लगातार मिलता रहे और आपके अप्लायंसेस चलते रहे, लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज की वजह से खराब ना होने पाए। दूसरा, ये जो एमसीबी लगी होती है ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई है, या हाई करंट इसमें फ्लो होगा जो कि इसकी रेटेड एम्पियर इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें 32 एम्पियर लिखा हुआ है, अगर इसे इसमें 32 एम्पियर लिखा हुआ है, अगर 32 एम्पियर से ज्यादा इसमें करंट फ्लो होगी तो ये ट्रिप कर जाएगी। तो ये एज ए ओवरलोड भी काम करेगी कि अगर आपके घर का ओवरलोड जितने किलोवाट का ये स्टेबलाइजर लगा हुआ है उससे अधिक होता है लोड, तो ये भी तब भी ट्रिप कर जाएगी। तो इस तरह से आपको कई प्रोटेक्शन इसमें, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, इस तरह से कई प्रोटेक्शन मिल जाते हैं। और दूसरा, आपको इसमें मैन्युअली आपको लो वोल्टेज को चेंज ओवर स्विच द्वारा बढ़ाना नहीं है या हाई वोल्टेज को चेंज ओवर जो भी रोटेटरी स्विच लगा होता है उसके द्वारा घटाना नहीं है। तो बड़े जितने भी स्टेबलाइजर आते हैं फ्रेंड्स, वो हाई वोल्टेज वो ऑटोमेटिक होते हैं, उसमें आपको कुछ करना नहीं होता। एक बार आपने इस पे इनपुट सप्लाई दे दी जो भी आपके मीटर से आ रही है और आउटपुट से सप्लाई आपने घर के लोड को जोड़ दिया, तो लगातार ये कंटिन्यूअसली आपके घर की सप्लाई को मेंटेन करता रहेगा।